सोलो रिव्यू वेलकम बैक टू सम स्टोर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, जो फिलहाल 47.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें आज के दिन देखा जाए तो 4 से 5% तेज देखने को मिल रही है। देख सकते हैं स्टॉक साइड में भी ट्रेड करते देखने को मिल रहा था। 9:50 के बाद एक अच्छी खासी इसमें रैली देखने को मिली। देखते हैं स्टॉक 47.5 के आसपास आ चुका है। अगर आप 5 दिन के अंदर देखेंगे तो स्टॉक 11 से 12% रिटर्न दे चुका है, जो कि कम नहीं होता है। स्टॉक ने अच्छा सा लो बनाया था 41 का, फिर वहां से देखते हैं वापिस से रैली देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आप 1 महीने के अंदर देखेंगे तो स्टॉक मात्र 1 से 1.5% तेज देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर करेक्शन आया, फिर देखते हैं और करेक्शन आया, फिर वापस से रैली देखने को मिल रही है। तो अभी अगर आप मार्केट में देखेंगे जितने भी स्मॉल के मिड के स्टॉक है, सब में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। जितने भी बैंकिंग के भी स्टॉक है, जैसे धनलक्ष्मी बैंक हो गया, DCB हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो गया, सब में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो नो डाउट अगर आपने इसको बाइक कर रखा है 40 रुपए के आसपास या 30 रुपए के आसपास, हमारी वीडियो को देखिए तो आराम से इसको होल्ड करिए। 80 रुपए का पहला टारगेट, जैसे कि आपको पता होगा मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको रिकमेंड करा था, 2024 के अंदर आराम से आपको 80 रुपए तक जाते देखने को मिलता है। बेसिकली जो कंपनी है, गोल्ड लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, इन सभी के रिलेटेड काम करती है। जैसा HDFC बैंक काम करता है वैसा ही काम धनलक्ष्मी बैंक का भी है। वहीं अगर आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो इसमें 43% से 44% रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप साल भर में देखेंगे तो 210% का रिटर्न दे चुका है, और ये तेजी आपको बरकरार देखने को मिल सकती है। 5 साल में देखेंगे तो देख सकते हैं 151% रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैक्स देखेंगे आप तो स्टॉक 140% रिटर्न दे चुका है। स्टॉक अच्छा खासा हाई बनाया था, जो है था करीब 188 का, वहां से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। नो डाउट आराम से इसको भी ब्रेक करते हुए आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे जिनका मार्केट कैप 1,191 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी बहुत ही कम है, पर इसका स्टॉक भी देखेंगे 12.8 का देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका स्टॉक भी बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर आप इसके क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, जिनका रेवेन्यू था दिसंबर 2023 में 237 था, जो कि फिलहाल 307 हो चुका है दिसंबर 2023 में। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। इसी वजह से देखेंगे जिनका फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो पहले माइनस में था, -39.54, जो कि फिलहाल अभी भी माइनस में ही है, पर 32.65 हो चुका है, थोड़ा सा कम हो चुका है। वहीं अगर आप इसका कैश फ्लो देखेंगे, नेट कैश फ्लो 9 था माइनस का, जो कि अभी 111 हो चुका है। तो यहाँ कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे शेयरहोल्डर पैटर्न, तो FIS की होल्डिंग 11.43 थी, जो कि फिलहाल 11.89 हो चुकी है। तो यहाँ देखते हैं जितने भी फोन इन्वेस्टर है अपने होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप DIS देखेंगे तो 0.35 होल्डिंग थी, जो कि फिलहाल 0.07 हो चुकी है। तो यहाँ DIS ने थोड़ी सी होल्डिंग को डिक्रीज कराया, और पब्लिक की देखेंगे तो 88.22 थी, जो कि फिलहाल 88.4 हो चुका है। तो क्या शेयर का पैटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसमें जो मुझे खराब बात लगी वो दो ही है, एक तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, और दूसरी जो बात है इसमें वो है इसका प्रॉफिट एंड सेल्स। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो कि माइनस में था, जो कि अभी माइनस में देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कमेंट करते हैं कि सर इस प्राइस पे कोई और ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स है क्या। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप धनलक्ष्मी बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप दोनों को ही रिकमेंड कर सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा इससे बेटर है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और एक DCB बैंक भी है, थोड़ी सी उसकी प्राइस है ये, पर मार्केट के हिसाब से इनके जैसा ही है, तो वो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आगे दे सकता है। अभी करीब 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आराम से होल्ड करेंगे तो आपको 220-250 के आसपास भी आते देखने को मिल सकता है। उसी तरह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी आपको अभी करीब 40 से 50 रुपए के आसपास, 50 रुपए के आसपास आ चुका है, और आराम से वो भी आपको 100 रुपए तक जाते देखने को मिल सकता है। आप तीनों में से किसी भी स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस इससे थोड़ा सा बेटर है धनलक्ष्मी बैंक से, बाकी अगर आप इसको बाई करने की सोच रहे तो आराम से आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। अभी भी आपको इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट करेक्ट होने दीजिए, वापस स्टॉक आपको 40 रुपए के आसपास तो देखने को मिलने वाला है, वहां आप स्टॉक को आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।